सीधा आपको तस्वीरें दिखाएंगे पटना में, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है अलग अलग जगहों पर। संजय हमारे साथ मौजूद है और पटना के बाजार में प्रीतम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय आपका रुख करूंगी, क्योंकि आप छठ घाट के आसपास खड़े हैं, तो जो तैयारियां हैं, जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, जो इस समय जो महिलाएं हैं, जो व्रतियां हैं वहां पर खड़ी हैं, उनकी तस्वीरें अगर आप हमें दिखा पाए और क्या क्या तैयारियां आप चल रही है वो भी अगर आप बता पाए। जी संजय। बिल्कुल, देखिए अभी हम खड़े हैं, ये जो है दीघा का पाटी पुल है और इस पाटी पुल के पास जो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छठ व्रती हैं वो, चूंकि आज यहाँ खुद जो है चार दिनों का अनुष्ठान आज शुरू हुआ है, तो आज नहाए खाए से शुरू हुआ है, उसके बाद खरना का जो है आयोजन होगा और ठीक जो है अगले दिन वो सुबह का जो है शाम का कार्यक्रम वो होना है, फिर उसके बाद जो है सुबह कार्यक्रम होना है, तो इस तरीके से करके अनुष्ठान जो है छठ का वो ऐसे ही करके शुरू होगा। लेकिन आज जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो ये गंगा घाट जो पाटी पुल का, ये दीघा का पाटी पुल का इलाका है और इस घाट पर किस तरीके से लोग आज इस अनुष्ठान में शरीक हुए हैं और जितने भी छठव्रती हैं वो सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं और किस तरीके से आज जो है गेहूँ धोने का जो प्रावधान है, जो परंपरा है वो चली आ रही है और खुद आज जो है जितने भी श्रद्धालु जो भी छठव्रती होंगे वो खुद आज यहाँ पे गेहूं को यहाँ पे धोएंगे, उसके बाद जो है स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करेंगे और आज ही का जो है अनुष्ठान वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है वो चार दिनों के अनुष्ठान में। और ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएँ पुरुष ये सभी लोग, चूँकि हम लोगों की हिंदू धर्म में जो परम्परा है वो चलती आ रही है लंबे समय से, जो आज पुरुष भी जो है इसमें पूजा पाठ करते हैं, महिलाएं भी पूजा पाठ करती हैं, तो इस तरीके से करके ये पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। और दूसरी तरफ बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी व्यवस्था जो है वो किया गया है, तो और यहाँ पे जितने भी जो नाव लगाए गए हैं वो जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे तैनाती की गई है, ताकि और ये जो बैरिकेड की गई है, बैरिकेड को देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड करने का कारण यही है कि चूंकि जो जलस्तर था गंगा का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन धीरे धीरे करके वो जलस्तर वो कम हो रहा है। और ये जो नाव की जो यहाँ तस्वीर है ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे जिला प्रशासन की ओर से जो है व्यवस्थित वो किया गया है। हमारे साथ दो श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, एक बार उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये छठ महापर्व का आयोजन जो होता है कैसे करते हैं और आप क्या करने आए हैं। हम गंगा जल लाने के लिए आए हैं, खरना के लिए ना, वो सीधी मतलब मेरे पत्नी व्रत करती है। क्या क्या कहेंगे इस बार छठ महापर्व में आप सर? देखिए ये हमारे बिहार का बहुत ही बड़ा पवित्र पर्व होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है जब छठ पर्व आता है यहाँ का प्रसादी खाने में, और ये घर में जब व्रत होता है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदमय होता है और लगता है पूरा माहौल ही पवित्र हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। दो वर्ष से कोरोना काल को लेकर के काफ़ी यहाँ जी सर तो हुआ था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि साफ तौर पर ये कह भी रहे हैं जो परेशानी हुई उन सभी लोगों को देखते हुए अभी भी जो है छठ महापर्व का आयोजन इस बार जो है शांतिपूर्ण तरीके से वो किया जा रहा है। और ये पाटी पुल का जो है ये घाट है और इस घाट पे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और चूंकि ये सबसे जो अच्छी बात ये है कि इस बार पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त कर दी गई है, तकरीबन 3600 जो है पुलिसकर्मी और पदाधिकारी ये सारे लोग जो है यहाँ मौजूद होंगे और घाट पर किस तरीके से यहाँ लोगों के व्यवस्था के लिए जो है ये पूरा इंतजाम जो है वो किया गया है, इसके नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं ताकि किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत जो है उसके लिए इंतजाम किया जाए। और ये तस्वीर आपको ये पाटी पुल का ही नहीं है बल्कि ये पूरा गंगा घाट के जितने भी हैं किनारे, जितने भी इलाका है, कई घाट हैं यहाँ पे, उन सभी घाटों पर व्यवस्थित किया गया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो बैरिकेड किए गए हैं जहाँ पे रेड कलर से जो पट्टी लगाई गई है वो खतरनाक जो है वो घाट घोषित किया गया है और उस जगह पे लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है, और इसके लिए जिला प्रशासन ने साफ तौर पे ये मुस्तैदी से लोगों को यहाँ पे मुस्तैद अधिकारियों को रहने के लिए कहा गया है। और ये तमाम तस्वीर जो है आपको जी मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक ये पहुंचाया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे श्रद्धालु जो है आज इसका आनंद भी लेने के लिए कई लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग व्रती हैं जो व्रत करने के लिए आज जो गंगा घाट पे जो कार्यक्रम होना है वो उसको खुद कर रहे हैं, तो इस तरीके से करके पूरा का पूरा जो है यहाँ पे प्रशासन अमला वो सारा लगा हुआ है
और जी मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक ये जो तस्वीर है वो पहुंचाई जा रही है। और अभी ये गंगा घाट में हम लोग खुद मौजूद है, जहां पे तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहां व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त किया गया है। और खास करके NDRF और SDRF की टीम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, वो लगातार इस पूरे गंगा के जो किनारे है वो तो राउंड करते रहेंगे। और इसी तस्वीर को फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दूसरी तस्वीर आपको ये देख सकते हैं किस तरीके से नाव का परिचालन पे रोक लगाने की जो जिला प्रशासन की जो बात कही गई थी वो कहीं ना कहीं फेल्योर होती दिख रही है। क्योंकि अभी अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि जो नाव है वो, चूंकि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वो गंगा नदी में नाव जो है वो नहीं चलाएं, लेकिन ये तस्वीर आपको जिला प्रशासन को दिखाने के लिए काफी है कि अगर ये नाव चल रही है और ये लबालब जो है लोगों से भरी हुई अगर यहाँ पे है तो उसको जो है रोका जाए, क्योंकि धार काफी तेज है और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो ये जो है व्यवस्था कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है, हालांकि अपनी तरफ से प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर एक बार प्रीतम का भी रुख कर लेते हैं, प्रीतम बाजार में क्योंकि खड़े हुए हैं और बाजार हमें बाजार की जो रौनक है, जो वहां पे खूबसूरत तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं प्रीतम आप हमें